हेलो फ्रेंड्स, मैं इस्माइल मनेरी, आई विजन सिस्टम्स एंड सॉल्यूशन से। मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हिक कनेक्ट सॉफ्टवेयर जो यूज़ करते हैं हिक विजन का DVR ऑनलाइन देखने के लिए, तो आजकल प्ले स्टोर पर ये सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है। तो प्ले स्टोर पर हिक कनेक्ट टाइप करने के बाद IVMS 4500 ये सॉफ्टवेयर आता है। ये सॉफ्टवेयर भी वही काम करता है जो हिक विजन हिक कनेक्ट करता है, लेकिन बहुत से लोग फैमिलियर नहीं है इस सॉफ्टवेयर के साथ। हिक कनेक्ट जो यूज़ कर चुके हैं तो उनको हिक कनेक्ट सॉफ्टवेयर के फीचर नहीं मिलते IVMS में। तो उनके लिए मैं आज वीडियो बना रहा हूँ कि हिक कनेक्ट सॉफ्टवेयर कहाँ से वो डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हिक कनेक्ट सॉफ्टवेयर हम कहाँ से और कैसे डाउनलोड करेंगे। इसके लिए आपको ब्राउज़र ओपन करना पड़ेगा, जो आपके मोबाइल में ब्राउज़र है जैसे कि गूगल क्रोम है। ब्राउज़र में आप सर्च करेंगे हिक कनेक्ट ऐप, तो आपको हिक विजन की साइट ओपन हो जाएगी और उसमें डाउनलोड ऑप्शन आएगा। डाउनलोड ऑप्शन में जाने के बाद आपको ये हिक कनेक्ट सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, वहाँ से आप ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कीजिए। मैं आपको कैसे डाउनलोड करना है और कैसे इसको यूज़ करना है वो सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो आप ये वीडियो एंड तक देखिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी। हाँ, तो आइए फ्रेंड्स, मैं आपको अभी बताता हूँ कि हिक कनेक्ट सॉफ्टवेयर आपको कहाँ से मिलेगा। इसके लिए आपको आपके मोबाइल में ब्राउज़र ओपन करना पड़ेगा और यहाँ पे हिक कनेक्ट टाइप करना पड़ेगा। हिक कनेक्ट तो ये ओपन हो जाएगा। इसके बाद ऐप डाउनलोड में जाइए, इसमें गो टू डाउनलोड, यहाँ से इंस्टॉल 100.40 MB इस ब्लू लाइन पे क्लिक कीजिए और ये जो आपको डाउनलोड ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड होगा। मेरे इसमें ऑलरेडी ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड है, यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं, तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। ये डाउनलोड होने के बाद इस फाइल को ओपन कीजिए, इंस्टॉल पे क्लिक कीजिए। अब ये इंस्टॉल हो चुका है, इसको मैं ओपन करता हूँ। इसको अलाउ करते रहिए, एग्री, सिलेक्ट रीजन इंडिया, लॉगिन कीजिए। अगर आपने मोबाइल फ़ोन नंबर से लॉगिन किया है, लॉगिन बाय मोबाइल फ़ोन नंबर, अगर ईमेल आईडी से लॉगिन किया है तो इस बॉक्स पे क्लिक कीजिए और ईमेल आईडी यहाँ पे डालिए। और आप अगर लॉगिन नहीं है, नए आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं, तो रजिस्टर पे जाइए। रजिस्टर में एग्री करके यहाँ पे आप रीजन सिलेक्ट करके आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड डालिए। यहाँ से आप न्यू यूज़र रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर है तो आपका ईमेल आईडी डालिए। ये मैं लॉगिन कर चुका हूँ और यहाँ पे मेरे आईडी में जो डिवाइसेस ऐड है वो डिवाइस सारे इसमें बता रहे हैं। आपके भी अगर आपने ऑलरेडी इसमें डिवाइस ऐड किया है तो वो डिवाइस आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा। अगर नहीं ऐड किया, फर्स्ट टाइम ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ से आप डिवाइस ऐड कर सकते हैं। स्कैन QR कोड, अगर आपने स्क्रीन अटैच की है DVR से, तो DVR में प्लेटफॉर्म एक्सेस सेटिंग में जाके वहाँ से आप QR कोड स्कैन कर सकते हैं। नहीं तो आपका सेम लाइन में मोबाइल और DVR है तो ऑनलाइन डिवाइसेस पे क्लिक करके ऑनलाइन डिवाइस यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन डिवाइस है तो यहाँ पे सर्च में बताएगा, तो उस डिवाइस को आप ऐड कर सकते हैं। उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा होगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन भी दबाइए। थैंक यू।